स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। रंजन देखो, मैं तुमसे इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं। वो 200 किलो ड्रग्स मुझे वापस कर दो। तुम्हें मेरी कंप्लेंट करनी है कर दो हेडक्वार्टर में या फिर जहां भी तुम्हें ठीक लगे, बट प्लीज वो ड्रग्स मुझे लौटा दो। सर आप मेरा जवाब जानते हैं, फिर भी नहीं। सर वो ड्रग्स आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है, मैं वो ड्रग्स आपको वापस नहीं करूंगा। रंजन इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मलिक को उसका एक कंसाइनमेंट नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे को मार देगा। प्लीज रंजन। नो सर। भूषण डैड, बच्चा तू ठीक है? कैसे किया तुमने सब? भूषण मैं जानता था जब मलिक देखेगा कि ड्रग्स उसके हाथ से निकल रहे हैं तो वो तनिषा को निशाना बनाएगा। उसके पहले कि वो कुछ करता, मैंने तनिषा को बचा लिया। आपके गुनाहों की सजा आपकी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए, है ना सर? सर मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, भरोसा मुझ पर और मेरी टीम पर। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तनिषा को कुछ नहीं होने दूंगा, और बदले में आप मलिक की साजिश का पर्दाफाश करने में हमारी मदद करेंगे। वाह 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 शीना बेबी, कमाल कर दिया तुमने। हाँ वाह, लाओ लाओ दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ शुरू क्यों नहीं हो रहा? ये क्या मजाक है बेबी? वो मैंने वीडियो बनाया था लेकिन हड़बड़ी में फोन फिसल गया हाथ से। मैं ठीक कराने गई थी, सारा डेटा डिलीट हो गया। बेवकूफ समझती हो मुझे? हाँ तुम मत दर बाहर जाओ, बाहर जाओ। आपको पता चल गया सर? हाँ नहीं 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 सर, गलती तो बच्चों से ही होती है ना सर। नहीं नहीं समझ रहा हूँ सर, फूलचंद नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? हाँ नहीं सर, मैं मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं 24 घंटे में अंशुमन का वीडियो बनाकर आपके चरणों में ला के रख दूंगा सर। मैं बता रहा हूँ आप प्लीज प्लीज क्या वीडियो नहीं बनाना है तो कुछ और करना है अंशुमन के साथ? नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ
मैंने तुम्हें माफ किया, तुम जा सकती हो। वैसे अंशुमन तुम्हारे यहाँ रह रहा है ना? हाँ, क्यों? तानिशा का बॉयफ्रेंड था विवेक, नॉट श्योर उसका ये रियल नाम था भी या नहीं। उसे ट्रक करके उसने उसका एक वीडियो बनाया, गायब हो गया उसके बाद, लेकिन वो वीडियो उसने तानिशा को भेज दिया। शी वॉज ब्रोकन, शी अटेम्प्टेड सुसाइड, लेकिन मैंने किसी तरह उसे बचा लिया। उसी रात इंटरनेशनल नंबर से मलिक का फोन आया, ये वीडियो उसने बनाया था, मुझे धमकी दी, कहा अगर मैंने उसका कहा नहीं माना तो वीडियो वायरल कर देगा। मलिक ने मुझे अपना प्लान बताया कि कोई 500 किलोग्राम ड्रग्स इंडिया में आने वाला है, तो इससे पहले कि कोई और एजेंसी उसके बारे में कुछ जाने, मुझे उसकी कस्टडी लेने की, आई मीन CBI को, और एक झूठी रिपोर्ट बनानी होगी कि एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल कि मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन एक्चुअली वो ड्रग्स मुझे छुपा के रखनी है और उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मुझे उसे डिलीवर करते रहना पड़ेगा। 2 महीने में 300 किलोग्राम तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, बाकी बचा 200 किलोग्राम आप लोगों की कस्टडी में। कमिश्नर बलदेव सिंह को ये बात पता लग गई, उन्हें पूरा यकीन था कि मैं मलिक के साथ मिलकर यह काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने मलिक को ये बात बता दी, बट आई हैड नो क्लू कि वो बलदेव सिंह को मार डालेगा। सर लेकिन इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट का मुंबई पर होने वाले अटैक से क्या कनेक्शन है? दिस ड्रग इज वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट, 6 करोड़ रुपए किलो बिकता है, सो मतलब इतनी बड़ी रकम कैश में कैरी करना इज मोर डिफिकल्ट देन कैरिंग फ्यू पैकेट्स ऑफ ड्रग्स। 500 किलो ड्रग्स मतलब करीब 3,000 करोड़ रुपए, मतलब मलिक जो भी प्लान कर रहा है कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। सर अब एक काम करिए, अब मलिक को कॉल करिए। व्हाट? क्यों मलिक? Just give me some time, Mr. Han. मैं सब संभाल लूंगा। अगर संभाल नहीं पाए तो पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? जिंदा रहना चाहते हो ना? मुझे ही वो ड्रग्स हर हाल में वापस चाहिए। हाँ मलिक, मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, वो ड्रग्स आज रात में निकाल लूंगा, लेकिन उसके गायब होते ही रंजन और उसकी टीम गिद्ध की तरफ पीछे पड़ जाएगी मेरी, तो जितनी जल्दी हो सके उसे तुम डिलीवरी ले लो मुझसे। जस्ट टेल मी कब और कहाँ, मैं अपने आदमी भेज दूंगा। नहीं नहीं, मुझे अब तुम्हारे आदमियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तुम्हें अकेले आना पड़ेगा लेने। वो बहुत चालाक है, इतनी आसानी से तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसेगा। सर आदमी चाहे जितना चालाक हो, जब वो मजबूरी में होता है तो उसका दिमाग थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। मलिक इस वक्त डेस्परेट है और डेस्परेशन में आदमी गलती करता ही है। अंशुमन तुम्हारे यहाँ रह रहा है ना? हाँ, क्यों? अंशु तुम कब आई? अभी आई और अभी हमें निकलना है। कहाँ, क्या हुआ? तुम्हारे घर।
पहले तुम बैठो प्लीज। क्यों, मॉम डैड ने फोन किया था क्या? नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हारा यहाँ ऐसे मेरे घर पे रहना ठीक नहीं है। आई मीन, मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा तुम्हारे पेरेंट्स पर? तुम कहती हो तो ओके फाइन। वैसे तुम्हारा जवाब क्या है इस बात? कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट। शुवन, आई लव यू। कल सुबह 7 बजे ओल्ड मुंबई ब्रिज। ओके गुड। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। स्मिता जगदीश भूषण, पूरी तैयारी करो, भरोसे के सब लोगों को इकट्ठा करो, लेकिन किसी को हमारे प्लान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, कमिश्नर को भी नहीं। Let's go. मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। सर, आपकी जान को वहां पर रिस्क है, मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। आप तनिषा को लेकर मेरे घर जाइए, आप वहां महफूज रहेंगे। लेकिन रंजन सर, आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा दी है, अब हमारी बारी है। मलिक साहब का एक मैसेज है तुम्हारे लिए। मलिक पूरी तैयारी के साथ आएगा। इस मिशन में जान का खतरा है, अगर कोई भी बैकआउट करना चाहता है अभी करे, मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगा। गुड। जैन सर, तुम छुट्टी पर थी ना, तुम्हारा परिवार? आज इस परिवार को मेरी जरूरत ज्यादा है। कि मिशन शुरू होने से मिशन खत्म होने तक हम में से कोई भी अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी को भी कांटेक्ट नहीं करेगा। मलिक मुंबई को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है, करोड़ लोगों को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। हारना हमारे लिए विकल्प नहीं है। यह हमारे देश पर आने वाला अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। हमें हिंदुस्तान की ढाल बनना है। हमारे देश पर होने वाले हर वार को हम सोकर गुजरना पड़ेगा। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अपने देश के लिए अपनी जान बलिदान करने का मौका मिलता है। उन्हें लोकेशन और मिशन के बारे में कुछ मत बताना, जस्ट कीप देम स्टैंड बाय। सो बेस्ट ऑफ लक।
चेंद्राम कहाँ है? रास्ते में आते होंगे। तेजस मान ले। ओ सरदार, मतलब तुम्हारा सरदार कहाँ है? तुम्हारा सरदार जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक ये माल तुम लोग यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्यों? हमारे आका का हुक्म। आका? अबे विदेशी चिड़िया, हम लोग यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहते। इतना बड़ा गन लेके आ गया तुम लोग। यस बॉस, ठीक है बॉस, गाड़ी में। सर मलिक गाड़ी में। गाइस अलर्ट एंड मूव। मलिक साहब का एक मैसेज है तुम्हारे लिए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।